वेलकम क्लास सिक्स। टुडे वी स्टार्ट विद सब्जेक्ट साइंस चैप्टर सेवन एंड लेक्चर सेकंड। इन प्रीवियस लेक्चर यू स्टडीड अबाउट हर्ब्स श्रब्स एंड ट्रीज। इसके पहले लेक्चर में आपने हर्ब्स किसको कहते हैं, श्रब्स किसको कहते हैं और ट्रीज किसको कहते हैं, ये आपने देखा था, ठीक है। और सेकंड लेक्चर में हम देखते हैं क्रीपर्स एंड क्लाइंबर्स, ठीक है, विच इज क्रीपर्स एंड विच प्लांट्स आर क्लाइंबर्स। सी दिस हियर, बाय द डेफिनेशन क्रीपर्स प्लांट्स विथ वीक स्टेम, जिसका स्टेम वीक हो, कमजोर हो, दैट कैन नॉट बी स्टैंड अपराइट, और इतना वीक होता है स्टेम उसका कि वो अपराइट सीधा खड़ा नहीं रह सकते हैं प्लांट, ठीक है। एंड स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड पर ही वो स्प्रेड हो जाते हैं, ग्राउंड पर जमीन पर फैल जाते हैं, तो आर कॉल्ड क्रीपर्स, इनको क्रीपर्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि सम वेजिटेबल्स, कुछ वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं कुछ, जो कि वो ग्राउंड पे ही फैलती है, उसमें आप देख सकते हैं जैसे लौकी है, कुकुम्बर, बटल गार्ड, बटल गार्ड, ठीक है। इसके बाद आप ले सकते हैं कुकुम्बर, ये जो प्लांट है वो क्रीपर्स है, वो जमीन में ही फैल जाते हैं, ठीक है। देन आफ्टर सम फ्रूट्स, कुछ फ्रूट्स भी हैं, जैसे कि तरबूज जो है, वाटर लेमन, वाटर मेलन, मुस्क मेलन, ठीक है, एक्सेट्रा। तो ये सभी ऐसे प्लांट हैं जो क्या करते हैं, ग्राउंड पे ही फैल जाते हैं और उसमें जो भी फ्रूट्स हैं वो निकलती हैं। इसी तरह नेनुआ है जो आप खाते हैं, ठीक। तो ये सभी क्या है, ये सभी आप देखे भी होंगे अगर कहीं विलेजेस में रहते हो या गए होंगे तो देखे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स देखिए, प्लांट्स दैट टेक सपोर्ट ऑन नेबरिंग स्ट्रक्चर, ऐसे प्लांट जो टेक सपोर्ट लेते हैं ऑन नेबरिंग स्ट्रक्चर, मींस उस प्लांट के आसपास कोई ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कोई ऐसा मतलब कि जो लंबा हो, तो उस पर वो क्या करते हैं, सपोर्ट करके और ऊपर की तरफ बढ़ते जाते हैं एंड क्लाइंब अप, और उसी पर वो सपोर्ट पे क्लाइंब अप चढ़ जाते हैं, आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। तो इनको हम क्या कहते हैं, क्लाइंबर्स कहते हैं। इसके भी एग्जांपल्स आप यू नो बेटर, जैसे कि ये आपने देखा होगा बीन्स, सेम, ठीक है। बीन्स के प्लांट क्या होते हैं, ऊपर की तरफ सपोर्ट लेके चढ़ते जाते हैं। फिर आपका ये होगा बीन्स के बाद आपका ये जो कुहाड़ा कहते हैं कद्दू, तो कद्दू के प्लांट भी क्या होते हैं, ग्रो करते जाते हैं, क्लाइंब करते जाते हैं, ठीक है। तो ये आपने देखा कि बीन्स, सेम, मनी प्लांट जो घरों में लगाते हैं लोग, वो भी क्लाइंब करके आपके रेलिंग पे या उस पे क्या होता है, ग्रो करने लगता है। पंपकिन, कद्दू, ये भी देखे होंगे कि ये क्लाइंब करके छतों पर या वैसे भी, ठीक है ना। ग्रेप्स भी क्या है, क्लाइंब करता है, अंगूर, ग्रेप्स, ठीक है।
सिग्नल आप देखा होंगे कहीं, तो ग्रेप्स भी जो है वो क्लाइंबिंग प्लांट है। तो ये आपने देखा एंड दीज आर द डिफरेंट फ्रॉम हर्ब श्रब्स एंड ट्रीज। ये जो है दोनों ये हर्ब श्रब्स और ट्रीज से अलग है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं स्टेम। स्टेम तना, ठीक है। स्टेम को स्टूडेंट्स हिंदी में क्या कहते हैं, तना। किसी भी प्लांट में जो स्टेम होता है वो स्टेम क्या करता है, प्लांट को अपराइट रखता है, टू अपराइट प्लांट, पूरे प्लांट को ये अपराइट रखता है, स्टैंड रखता है, खड़ा रखता है, सीधा रखता है, ठीक है। ये सबसे पहला स्टेम का वर्क है। तो फ्रॉम दिस इन अदर वर्ड्स स्टेम कंडक्ट्स वाटर जस्ट लाइक, और जो स्टेम है वो बाय दिस टू अपराइट प्लांट, प्लांट को सीधा रखता है, मेक मेनी ब्रांचेस, टू मेक मेनी ब्रांचेस, ब्रांचेस ठीक है, सो मेनी ब्रांचेस को अवॉइड करता है या ऑफर करता है, बनाता है। अब इसके फंक्शन क्या है स्टेम के, स्टेम का जो फंक्शन है वो कंडक्ट वाटर एंड मिनरल्स। स्टेम का जो फंक्शन है कंडक्ट वाटर मिनरल्स एंड प्लांट फूड। प्लांट फूड ठीक है, कंडक्ट वाटर मिनरल्स एंड प्लांट फूड। वाटर मिनरल्स को ये कंडक्ट करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाता है। एंड प्लांट फूड को भी, जो प्लांट अपना भोजन में बनाए रहते हैं उनको भी कंडक्ट करता है। अब यहां देखते हैं वाटर कौन कंडक्ट करता है, वाटर कंडक्ट बाय जाइलम, ठीक है। स्टेम में जाइलम होते हैं और फ्लोएम होते हैं, टू टाइप्स के टिश्यूज पाए जाते हैं। तो स्टेम में उत्तक टिश्यू पाए जाते हैं, ठीक है, वो टिश्यू होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम, टिश्यूज दैट इज जाइलम फ्लोएम, ठीक है। तो स्टेम के अंदर जो टिश्यूज होते हैं वो जाइलम एंड फ्लोएम, दो तरह के टिश्यूज पाए जाते हैं मेनली। जाइलम के द्वारा क्या कंडक्ट होता है, वाटर। जाइलम के द्वारा कंडक्ट होता है वाटर मिनरल्स ठीक है, वाटर मिनरल्स जाइलम का, और फ्लोएम के द्वारा प्लांट फूड। प्लांट फूड ठीक है, तो जाइलम के द्वारा वाटर मिनरल्स एंड फ्लोएम के द्वारा प्लांट फूड, ये कंडक्ट होता है पूरी। दीज आर कंडक्ट इन होल प्लांट, पूरे प्लांट में ये कंडक्ट होता है, ठीक है। तो ये आपने देखा कंडक्ट वाटर मिनरल्स एंड प्लांट फूड बाय द स्टेम, और वाटर मिनरल्स किसके द्वारा होता है और प्लांट फूड ये
किस टिश्यू के द्वारा होता है ये आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया गया। नाउ तो दीज आर अबाउट स्टेम मेन पॉइंट्स, ये आपका स्टेम के बारे में मेन पॉइंट्स टू सेव द प्लांट प्लांट्स को ये सेव रखते हैं, सुरक्षित रखते हैं प्लांट्स को इस टाइम, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये आपने देखा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, आज के लिए इतना ही। सो थैंक्स फॉर वॉच द वीडियो।